नमस्कार स्वागत है आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम मेहमान में जहां हम आपको मिलाते हैं किसी एक खास मेहमान के साथ वी आर इंडी प्रिवलेज एंड प्राउड टू हैव अस टूडे द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया हरप्रीत एडी सिंह बहुत स्वागत मेहमान में शुक्रिया

चाहे कहीं भी तकलीफ हो कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम थी हमेशा आगे आके खड़ी हो गई है एयरलाइन की तरह मजबूती की तरह मतलब हमारे इंडिया को उस आ, स्थान पे पहुंचाया है कि आप कहीं पे भी ट्रेवल भी करोगे एब्रॉड किसी भी कंट्री में जाओगे आपको महाराजा जरूर दिखेगा कहीं ना कहीं उसका ऑफिस दिखेगा कहीं ना कहीं उनके बैनर दिखेंगे लोगों की पहचान एयर इंडिया उस महाराजा के साथ है और ऐसा नहीं है कि वो महाराजा थोड़ा सिर्फ एलिट के लिए है वो सभी के लिए है दिलों का महाराजा जो दिलों को जोड़ता है वो महाराजा है हमारी एयर इंडिया बिल्कुल जैसे आपने बताया रिमोटेस्ट ऑफ एरियाज को जोड़ा गया है हाँ भारत में भी कुछ एग्जाम्पल्स मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें तो एयर इंडिया असल में एक काफी बड़ी एयरलाइन थी जिसमें सिर्फ डोमेस्टिक ऑपरेशन भी थे इंटरनेशनल भी अभी बहुत ज़्यादा ही हैं बल्कि और हमारी जो अलायंस एयर है और जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है ये तीनों को मिला के इतने सालों तक एयर इंडिया चल रहा है चाहे एयर इंडिया एक्सप्रेस और अलायंस एयर कई सालों के बाद आई थी शुरू में आपको याद रहेगा एक इंडियन एयरलाइंस होती थी जो बहुत ही अच्छी एयरलाइन थी और जब इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया मर्ज हो गए तब एक एयर इंडिया बन गया फिर हमने सोचा कि कोई एक लो लो कॉस्ट ऑपरेशन भी होना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिले जहां पे वो लो कॉस्ट में भी ट्रैवल कर सकते हैं और एयर इंडिया एक्सप्रेस हमारी फर्स्ट लो कॉस्ट इंटरनेशनल एयरलाइन थी जी तो उसका एक अलग मॉडल था फिर आई हमारी अलायंस एयर अलायंस एयर का खासियत है कि जहाँ पे बिल्कुल ही रिमोट जगह हैं जैसे हमारी नॉर्थ ईस्ट है हमारी लीलाबारी, गोहाटी मतलब इन शहरों को जोड़ना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे टेरेन भी थोड़ा उस टाइप का है पहाड़ियाँ हैं एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर उतना मतलब उतनी डेवलपमेंट में नहीं पहुँचा है चाहे गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि अच्छे रनवेज़ बने वहाँ पर छोटे ही जहाज़ जा सकते हैं तो इसलिए ए टी जैसे हमने उड़ाया और उस एयरलाइन की मुझे बहुत गर्व से मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत खुश नस्मत किस्मत हूँ कि मैं उस एयरलाइन की सीईओ रही इस जॉब में आने से पहले तो मतलब मुझे लगा कि अलायंस एयर का एक खास ही रोल है क्योंकि जो इतनी रिमोट मतलब विलेजेस में रहते हैं जो शहरों तक पहुँचना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है तो ए टी का जो एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन है जो हमने स्टार्ट किया कई सालों पहले लेकिन उसको हम जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए और इतने छोटे शहर अभी जुड़ गए हैं तो बहुत ही अच्छा मतलब एयर इंडिया और अलायंस एयर ये जो कॉम्बिनेशन था ना और ख़ास करके जैसे इंटरनेशनल ट्रेवलर भी आता है एयर इंडिया की फ़्लाइट से दूर से आता है लेकिन उसको जाना कहीं छोटे शहर में है तो वो कनेक्टिविटी भी उनको मिलती थी जैसे एयर इंडिया के फ़्लाइट से आ गए तो एयर एयर से चले गए या एयर इंडिया एक्सप्रेस से चले गए या अपना एयर इंडिया डोमेस्टिक जो हमारा डोमेस्टिक मेन हब ऑपरेशन है उसके थ्रू भी अलग अलग शहरों में मतलब कनेक्शन आ गए तो इसका यह क्या मतलब हुआ कि जैसे एयर इंडिया कितने शहरों से जुड़ा हुआ है और कितने सालों से वी फील वेरी प्राउड कि वी बिलोंग टू सच ए ग्रेट हिस्टोरिक लेगेसी ऑफ एयर इंडिया मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं एयर इंडिया में हूँ क्योंकि मुझे इंडिया का नाम वहां साथ में दिखता है जो हम देश के लिए कर सकते हैं वो हम एयर इंडिया के थ्रू कर पाए कई हमें पैसेंजर्स बोलेंगे जब वापस आ रहे हैं विदेश कंट्री से हम एयर इंडिया से क्यों जाना चाहते हैं हमें लगता है कि हम घर आ गए वही इंडियन खाना वही इंडियन साड़ी क्लैड या चूड़ीदार क्लैड कैबिन क्रू मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम घर आ गए यहाँ मैं जानना चाहूंगी इसकी हिस्ट्री के बारे में और इसकी एयरक्राफ्ट के बारे में लाइक यू यू हैव बोइंग तो आर आर ऑफ दैट रिक्वायरिंग नाउ या जो पहले से है अभी तो वी आर एयर बस थ्री ट्वेंटी वी हैव डिफरेंट वेरिएशन जैसे थ्री नाइनटीन है थ्री ट्वेंटी वन है और हमारे ट्रिपल सेवन है जो अल्ट्रा लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स में जाते हैं जो जहाँ चार चार पायलट्स इकट्ठे मतलब क्रू को उड़ाते हैं क्योंकि सोलह सत्रह घंटों की फ़्लाइट है तो ये लंबी फ्लाइट्स हैं और उस पर ट्रिपल सेवन जाता है और जो हमारा सेवन एट सेवन है वो बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है क्योंकि वो काफ़ी एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी है उसमें कैबिन प्रेशराइजेशन थोड़ा पैसेंजर्स के लिए कंफर्टेबल है और काफ़ी मतलब कंफर्ट के साथ सेवन एट सेवन जैसे यूरोप जाता है कितनी सिटीज़ में सेवन एट सेवन जाता है हमारा और ऑस्ट्रेलिया में जाता है और ये हमारी मेन एयर इंडिया की जो फ्लीट है सेवन फोर सेवन फोर हंड्रेड जो हमारा जंबो एयरक्राफ्ट है फोर इंजन वाला एयरक्राफ्ट जिस कई साल हमारे वी वी आई पीज गए हैं उस एयरक्राफ्ट पे जो हमारा एयर इंडिया एक्सप्रेस है जो हमारा फर्स्ट लो कॉस्ट इंटरनेशनल कैरियर है जैसे गल्फ की काफ़ी फ्लाइट जाती हैं साउथ इंडिया से जाती हैं केरला से जाती हैं तो वो सेवन थ्री सेवन एट हंड्रेड एयरक्राफ्ट टाइप है और जो हमारा अलायंस एयर है, है वो ए टी आर सेवेंटी टू लेकिन अब जब हम डिस इन्वेस्ट होके मतलब तो आगे बढ़ रहे हैं तो अलायंस एयर गवर्नमेंट के साथ ही रहने वाला है थोड़ी देर और और एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस वो दोनों मर्ज हो जाएंगे मर्ज मर्ज हो ही गए हैं मतलब लेकिन उनके सेपरेट एओसी जिसको हम एयरलाइन ऑपरेटिंग सर्टिफिकेट कहते हैं वो सेपरेट है वैसे मतलब आपस में कोऑपरेशन है कोऑर्डिनेशन है क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन सिर्फ से, टेक्निकली सेपरेट है ए अब मैं आपसे जानना चाहूंगी हरप्रीत जी एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और आप किस तरह उसको निभा पाती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब मैं अगेन मैं लकी अपने आप को मानती हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट 360 कर लिया पूरी एयरलाइन में क्योंकि हर डिपार्टमेंट में मैं मुझे मौका दिया गया और मुझे ये एक्सपीरियंस गेन करने का बहुत अपॉर्चुनिटी मिला क्योंकि मैं स्टार्ट किया था मैंने पायलट के बैकग्राउंड से तो फ्लाइंग पायलट थी उस टाइम 1988 में मैं सिलेक्ट हुई थी एयर इंडिया में एज द फर्स्ट लेडी पायलट लेकिन उस टाइम मेरा मेडिकल का इशू था तो मैंने हार नहीं मारी मैंने कहा मैं विदेश जाके मैंने फॉरेन लाइसेंस लिया इंस्ट्रक्टर्स लाइसेंसेस लिए और वापस आई एयर इंडिया में एज अ ग्राउंड इंस्ट्रक्टर फॉर पायलट्स तो मैं काफ़ी टेक्निकल एरियाज में पहले मेरी ग्रोथ हुई मतलब कई जगह फिर मैं गई फिर जब फाइनली आ, मैं क्वालिटी डिपार्टमेंट की हेड थी काफी साल बल्कि सबसे पहले क्वालिटी डिपार्टमेंट अगेन मैं खुश नसीब हूं कि वो एक आयोसा ऑडिट आता है इंटरनेशनल ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट तो वो काम मुझे दिया गया था तो हम लोग आ, कई सालों से वी वर द फर्स्ट इंडियन कैरियर टू गेट दैट सर्टिफिकेशन क्योंकि क्यूएमएस डिपार्टमेंट हमने सेटअप किया फ्लाइट सेफ्टी सेटअप किया तो उसमें क्या हुआ कि एक्सपीरियंस जब आप इन डिपार्टमेंट्स में आते हो तो पूरे एयरलाइन का निचोड़ आपके सामने होता है मतलब क्योंकि आपको हर एरिया का ध्यान रखना पड़ता है तो जो वो लर्निंग आपको मिलती है अगर आप कुछ भी सीखना चाहो तो इस टाइप के डिपार्टमेंट्स में ना क्या होता है कि अगर आप दिल से चाहते हो कि आप सीखो आप सब कुछ सीख सकते हो ये नहीं कि आप एक ही एरिया को जानते हो आप सभी एरियाज की तरफ ध्यान रहता है तो वो क्वालिटी डिपार्टमेंट फिर मैं इन फ्लाइट सर्विस डिपार्टमेंट की एग्जैक्टिव डायरेक्टर थी तीन साल के लिए फिर उसमें मैंने कैबिन क्रू का सारा सर्विस स्टैंडर्ड्स बढ़ाना उनका मतलब पूरे उनके प्रोसीजर्स केटरिंग इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट कस्टमर सर्विस ईडी कस्टमर सर्विस भी मैं रह चुकी हूँ तो उस टाइम स्टार अलायंस की हमने मेंबरशिप ली थी और स्टार अलायंस में मैं मेरा काफ़ी की रोल था क्योंकि मैं एक तरफ कस्टमर सर्विस का प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट में थी और एक तरफ मैं सेफ्टी और क्वालिटी के मतलब जो इंटरनेशनल बेस्ट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम कैसे कंप्लाई करें ताकि स्टार अलायंस के हम मेंबर बन सकें क्योंकि hmm. पूरे इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं एंड अगेन हम एज एन इंडियन कैरियर वी वर द फर्स्ट कैरियर टू बिकम अ स्टार अलायंस मेंबर तो वो मुझे काफ़ी लर्निंग मिली और जब एयर इंडिया एक्सप्रेस शुरू हुआ था एज ए न्यू कैरियर तो मैं उसमें कोऑर्डिनेटर ऑपरेशंस थी तो बिल्कुल नया एयरलाइन को कैसे स्थापित करना है उसमें क्या प्रोसीजर्स हैं उसमें क्या रेगुलेशंस हैं उसमें पायलट्स को कैसे रिक्रूट करना है कैबिन को कैसे करना है कमर्शियल को कैसे देखना है तो उसमें मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला और फिर उसके बाद मैं चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी बन गई वो अगेन काफ़ी अच्छी चीज़ थी क्योंकि मैं इतने टेक्निकल एरिया में पूरे पायलट इंजीनियर्स ग्राउंड हैंडलिंग फ्लाइट डिस्पैच कैबिन क्रू ऑपरेशन पूरा उसका सेफ्टी का देखना काफी जिम्मेदारी डीजीसी है डायरेक्टर जनरल एवियशन उसके सी एर्स आते हैं सिविल एवियशन रिक्वायरमेंट्स एयरक्राफ्ट रूल्स है एयरक्राफ्ट एक्ट है और अपने कंपनी के प्रोसीजर्स होते हैं जैसे एक तो हमारी एयरलाइन के प्रोसीजर्स जो हमें मॉनिटर करने पड़ते हैं कि ठीक से सब लोग कर रहे हैं जो करना चाहिए ताकि पैसेंजर्स हमेशा हंड्रेड परसेंट सेफ रहें और उसमें हम लोग मॉनिटर करते हैं जैसे एक प्रोग्राम आता है फोका फ्लाइट ऑपरेशन क्वालिटी एश्योरेंस तो उसमें क्या होता है कि जो पायलट्स कर रहे हैं उनकी हर सेकेंड की रिकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि और क्या, आप नीचे बैठ के मैन करते हैं हम लोग देख के मॉनिटर करते रहते हैं कि कुछ डिविएशन तो नहीं है अगर कुछ अनसेफ भी नहीं हुआ लेकिन माइनर डिविएशन भी होता है ना तो हम वो पायलट्स को बुलाएंगे ऑफिस में उनको काउंसलिंग देंगे उनको पूछेंगे ऐसे क्यों हुआ ताकि हम उसको जर्ज में ही रोक सकें तो चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी मोर देन फाइव ईयर्स एज देर आई वॉज द फर्स्ट वुमन इन द कंट्री टू बी चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी तो शुरू में थोड़ा ये था कि बट इनिशियली इट्स सेल्फ आई सेट एवरीबडी क्वाइट कम्फर्टेबल और उसके बाद जब मुझे सीईओ का रोल मिला तो मुझे और भी एक्सपीरियंस आ गया क्योंकि देन यू आर रनिंग द एयरलाइन उससे ऊपर hmm. तो कुछ है नहीं यू आर ओनली रिपोर्टिंग टू द बोर्ड बट एवरी डिसीजन यू आर अकाउंटेबल अभी अचानक मुझे ये इंसिडेंट याद आया कि किसी ने फोन किया कि आप अपनी फ्लाइट आधा घंटा डिले कर सकते हैं क्योंकि चार लाइव्स बच जाएंगे hmm. और क्योंकि वो ऑर्गन्स आने हैं लाइव ऑर्गन्स और उनको हमें भेजना है दूसरी जगह और फिर हॉस्पिटल पहुंचाना है तो मैंने ये कहा कि अगर हम लोग शेड्यूल्ड ऑपरेटर हैं हम ऐसे फ्लाइट्स तो डिले कर नहीं सकते तो हम कैसे कर सकते हैं तो मैंने कैप्टन से बात की मैंने कैप्टन को बोला आप अनाउंसमेंट करो कि आर ऑल पैसेंजर्स ओके टू डिले दिस फ्लाइट फॉर थर्टी मिनट्स टू सेव फोर लाइव एनीबडी हैज एनी ऑब्जेक्शन सब ने कहा नो प्रॉब्लम हाफ एन आवर तो हम वेट कर सकते हैं तो मतलब उनसे बायन लेके क्योंकि सबके दिल साफ होते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी और जैसे वैक्सीन को पहुंचाना कार्गो था नहीं उस एयरक्राफ्ट के अंदर फिर उसको मॉडिफाई किया कि कार्गो भी कैरी कर सकता है क्योंकि कोविड के टाइम पे लोग इतने डरे हुए थे कोई आना नहीं चाहता है फिर भी हमने इतने सारे नए नए सेक्टर स्टार्ट किए कोविड के बीच में mm. फिर एज ए सी इट इज योर रोल टू मोटिवेट इट इज योर रोल टू इंस्पायर इसीलिए फिर मैंने जब लोग डर रहे थे मैंने ये सुबह सुबह स्टार्ट किया यूनिवर्सल प्रेयर्स का चैनल अभी भी मैं करती हूँ हर रोज सुबह साढ़े चार बजे जूम कॉल पे लोग लॉग इन करते हैं हम लोग करते हैं सिर्फ मेडिटेशन ताकि इनर स्ट्रेंथ आ जाए इनर स्ट्रेंथ के साथ आप क्या नहीं कर सकते ओमिक्रॉन की आ, बात हो रही है इंटरनेशनल सो हाउ डू यू काइंड ऑफ स्क्रीन पैसेंजर्स एट योर एक्चुअली वी आर फॉलोइंग ऑल द गवर्नमेंट रेगुलेशन क्योंकि जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं वो काफी uh, आगे बढ़ी हैं इन, में और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सिविलेशन ने तो बहुत ही सपोर्ट किया है तो जो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ हमें नई गाइडलाइन आती रहती है तो हमारा काम है उसको इंप्लीमेंट करना क्योंकि हम उस एरिया में तो एक्सपर्ट्स हैं नहीं तो जो वो रिक्वायरमेंट देते हैं वो इंप्लीमेंट करो लेकिन हाँ जब ये स्टार्ट हुआ था कोरोना वायरस तब मैं सेफ्टी में थी उस टाइम तो हमने पूरी सेफ्टी रिस्क असेसमेंट की थी जब वुहान ऑपरेशन हमने पहली बार वो वंदे भारत फ्लाइट्स के थ्रू इतने सारे पैसेंजर्स को लेके आए थे किसी को कोविड नहीं हुआ किसी की डेथ नहीं हुई इतना प्रेपरेशन था इतना कोऑर्डिनेशन था सारे गवर्नमेंट एजेंसीज का एयर इंडिया का क्रू का तो मतलब जब आप दिल से कुछ करना चाहते हो ना हो जाता है मतलब मेरा कहने का मतलब ये है Absolutely. Now, take us through. द फर्स्ट टाइम दू गेव द इंस्ट्रक्शन टू सो मेनी पायलट इट लाइक और किस तरह के पायलट से आपने इंटरक्शन किया बहुत सारी महिलाएं पायलट आजकल देखी जा रही हैं। एयर इंडिया के बल्कि मैक्सिमम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होंगे ऑफ ऑल होलन क्रू फ्लाइट्स। वी आर सो प्राउड ऑफ दीज वन पायलट इतनी इतनी पायलट्स आ गई हैं अभी दूसरे कैरियर्स की भी हैं, लेकिन एयर इंडिया ने तो बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं And I'm also very proud to be on the seat of President of Indian Women Pilots Association (IWPA), आई डब्ल्यू पी ए जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसमें हम लोग एक्चुअली उनकी मेंटरिंग करते हैं उनको उत्साह उनका बढ़ाते हैं उनकी मदद करते हैं उनको गाइड करते हैं hmm. इंडिया में अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रतिशत वीमेन पायलट्स इंडिया में हैं एंड hmm. 15% परसेंट से ज़्यादा और जहाँ पे द सेकेंड हाइस्ट करीब फाइव परसेंट के आसपास है तो आप सोचो कि ये कंट्री कितनी महान है और कितने लेडीज हैं जो शाइन कर रही हैं हमने अराउंड द वर्ल्ड विद विद ऑल वेमेन क्रू किया फिर हमने लॉन्गेस्ट फ्लाइट विद ऑल वेमेन क्रू वुमेन्स डे पे हमेशा एक वुमेन्स फ्लाई डे तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती हूँ और इस बार क्योंकि मैं लास्ट वुमेन्स डे में बरेली मतलब ये बरेली का सेक्टर हमारा न्यू लॉन्च होने वाला था अलायंस एयर में पहली बार अलायंस एयर ने भी फुल क्रू की फ्लाइट की बरेली में जाकर hmm. और नॉट ओनली द दुमेन पायलट जो साइन कर रहा है वुमेन इंजीनियर जो एटीसी कंट्रोलर वो भी लेडी hmm. मतलब जो सारे जो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं लेडीज थे तो मैं हमेशा विमेन पायलट्स को कहती हूँ आप ज्वाइन कीजिए आई वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू टू गाइड यू टू सपोर्ट यू किसी भी एयरलाइन किसी भी फ्लाइंग क्लब जो आपको मेंटरिंग चाहिए गाइडेंस चाहिए वी वांट टू एनकरेज वेमेन इन दिस फियर एंड अभी आई तो और एक्सपैंड हो गया इंटरनेशनल वुमेन प्रोफेशनल्स तो इट्स नॉट ओनली फॉर पायलट्स चाहे वो ए कंट्रोलर्स हों इंजीनियर्स हों डिस्पैचर्स हों कोई भी टेक्निकल एरिया ना जो ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड मतलब उनको लगता है अगर लेडीज काम में करेंगी तो सिर्फ एच में काम करेंगी या एडमिन में काम करेंगी या पी में काम करेंगी क्यों पायलट क्यों नहीं बन सकती बॉसेस क्यों नहीं बन सकती अभी सीओ जब मैं फर्स्ट उन्होंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल जब मैंने खुद देखा जब मैं सीईओ बनी वो फर्स्ट वुमन सीईओ तो मैं सोच रही हूँ इतनी वुमेन क्यों नहीं है सीनियर हाँ। मैनेजमेंट में क्यों नहीं है इतनी लेडीज मतलब तो ये मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे हो रहा है आपके थ्रू बदलाव होगा आई एम श्योर आपने अभी भी कहा एयर ट्रैफिक कंट्रोल एंड सी ए ट्रैफिकोल यस लॉट्स ऑफ विमेन बहुत हैं बल्कि जब हमने लास्ट ए विजिट भी किया था इतने सारे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने काफ़ी काम किया इस मतलब प्रमोट करने के लिए विमेन को एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम ऑल्सो क्योंकि जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल सी एन एस ए टी एम जैसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन नेविगेशन सर्वेलेंस एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ये सारे इतने इंपॉर्टेंट एरियाज हैं एंड नाउ दे आर लॉट ऑफ वेमेन इन दीज एरियाज एयरपोर्ट डायरेक्टर्स हैं हमारी वेमेन एनवायरनमेंट, बिकॉज यू हेडेड दैट आल्सो हाँ जी नेसेसरी इज दैट वो किस तरह पर्यावरण के बारे में आप जोड़ेंगी एयर इंडिया के साथ

कितना CO2 टू सेव हुआ क्योंकि हमने एक नया फ्लाइट प्लानिंग सिस्टम निकाला जिसमें फ्यूल की जो मॉनिटरिंग होती है टू द ड्रॉप मतलब पॉइंट डेसिमल में भी फ्यूल आएगा फ्लाइट प्लान पे ताकि आप उतना ही लो जितना आपको जरूरत है क्योंकि अगर आप एक्सेस लेते हो फ्यूल उतना बर्न एक्स्ट्रा होता है उतना आप सी ओ टू एमिशन बढ़ाते हैं तो मतलब ये एक तरीका था फिर हमारा जो इंजन का जो क्लीनिंग है उसमें हमने काफी काम किया फिर जैसे और भी जैसे इंजन का जो अपग्रेडेशन होता है उसके अंदर भी परफॉर्मेंस डिट्यूरेशन को अवॉइड करने के लिए जो प्रोसीजर्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए जैसे हमारे कैबिन के अंदर वेट कम करने के लिए जैसे जो न्यूज़पेपर्स वगैरह हम अल्टरनेट सीट्स पे वो जो बुक्स हम देते थे उनको कम किया जो केटरिंग का मटेरियल लाइट किया क्योंकि ताकि वेट जो एयरक्राफ्ट पे है ना जो फ्यूल बर्न करता है आप उसको जितना कम करते जाओ उतना एनवायरमेंट के लिए अच्छा है ऑल्सो हमने अपने कई हैंगर्स वगैरह पे सोलर पावर को इंट्रोड्यूस किया ऑफिसज में कई जगह जहाँ पे लाइट्स वगैरह ताकि पावर ऑफ ऑटोमेटिकली हो जाए सिंपल टेक्निक्स मतलब जैसे है बट एवरीबडी हैजू डू देर बिट नाई न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो टू बी ऑनेस्ट एयर इंडिया वॉज ऑलवेज डूंग सी एस आर एक्चुअली सी एस आर रूल बाद में बना है <laughs> <laughs> हम तो शुरू से आई एग्री आई एग्री शुरू से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिलीव करते आए सालों और सालों से करते आए तो ये हमारे लिए इट वॉज इट इज मेंट फॉर एक्चुअली मोर एज अ रेगुलेशन फॉर दोज हु हुआ नॉट डूइंग इट और टू पुट अ स्ट्रक्चर इन प्लेस कि कैसे सी एस आर को गवर्नमेंट के थ्रू लिंक किया जाए लेकिन हमारे सी एस आर के एक्टिविटीज तो इतने थे हमारे स्कूल्स थे खुद के एयर इंडिया के स्कूल्स थे सी एस आर के एक्टिविटीज में जैसे हमने इवैक्यूएशन की है जैसे कुेत वॉर में कितनी सारी फ्लाइट्स मतलब हमारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके अंदर और फिर अफगानिस्तान से, अफ्गानिस्तान से तेल अवीव, मतलब एयर इंडिया तो हमेशा ही करता है बिना मतलब मतलब ये ये सोचे कि है मतलब वो नाम तो हमने बाद में दिया है इनफैक्ट रूल ये है कि टू परसेंट जो आपने सही कहा देना होता है इफ यू आर प्रॉफिट मेकिंग तो हम बीच में लॉस मेकिंग भी थे तो हाँ। हमने हमें देने की जरूरत भी नहीं थी लेकिन हम करते गए हाँ। आपने अभी अभी कुछ अब, वाक्य बताए थे जिस तरह आपने एक बार चार लाइव्स बचाई इस तरह के कुछ और पर्सनल जर्नी में आपको याद आते हैं प्लीज़ शेयर बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं लेकिन एक मैं आपको बताऊंगी एंजल्स ऑफ एयर इंडिया जो मैंने कंसेप्चुलाइज किया था वॉल्टियर मतलब एक फोर्स है जैसे ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स की फोर्स जैसे कहते हैं ना एक एयरलाइन में बिना किसी को पैसे दिए अगर आप एक फोर्स खड़ी करना चाहते हो तो कैसे करोगे तो मैंने अपने चेयरमैन को उस टाइम कहा था कि वी विल कॉल इट एंजल्स ऑफ एयर इंडिया हम बोलेंगे डू यू हैव इट इन यू टू कम हेयर एंड टू डेडिकेट योर कमिटमेंट के अगर कुछ भी डिजास्टर हो जाए वेर एवर एयर इंडिया इज रिक्वायर्ड टू गो ट्वेंटी फोर बाई सेवन यू आर अवेलेबल अगर अपना बैग उठाओगे यू ऑलवेज कीप अ रेडी बैग एंड यू विल बी रेडी टू गो एंड हेल्प दिज आर फॉर फ्लाइंग ऑफिस नो दिस इज फॉर एवरीबडी ग्राउंड पीपल लॉजिस्टिक्स एवरीवन तो शुरू में मेरे उस टाइम के चेयरमैन को थोड़ा सा डाउट था कि लोग आएंगे क्या इस टाइप की चीजें मैंने कहा ट्राई करने में तो कुछ होता नहीं है तो हमने किया एंड मोर देन थाउजेंड वॉल्टियर्स और जो हमारे दो अनफॉर्चुनेट क्रैशेज हुए थे बीच में सारे ये एंजल्स ऑफ एयर इंडिया आपने देखा होगा न्यूज में भी आता था हाउ मच वर्क दे दुटन ट्वेंटी फोर बाई सेवन चार चार दिन लोग सोए नहीं मतलब बट उनको नींद आती भी नहीं क्योंकि वो उनका दिल से वो काम कर रहे हैं लोगों की हेल्प कर रहे हैं जो वेड थे जो इंजर्ड थे हॉस्पिटल में उनकी फैमिलीज के साथ उनके उनके जो पेपर वर्क करने के लिए तो ये जो इमोशनल जो चीज़ें हैं ना वो कभी भूलते नहीं है क्योंकि इतनी जो टीम फोर्स जो है ना मुझे हमेशा लगता है यू आर अ ट्रू लीडर इफ यू मेक मोर लीडर ये नहीं कि आप फॉलो आप चाहते हो कि बस आपके वो लोग फॉलो करें अगर आप क्रिएट नहीं कर सकते वो लीडर तो आप किस टाइप के लीडर हो तो मुझे हमेशा ये था कि मैं जब तक इस डिपार्टमेंट इस एयरलाइन में हूँ मुझे और मेरे से भी और आगे मेरे से भी और अच्छे काम करने वाले क्रिएट करने तब मैं कह सकती हूँ कि मैंने जस्टिस किया है उस काम को डॉटर ऑफ ऑफिसर किस तरह आपने शुरुआत की इस जर्नी की लकीली आई वॉज बॉर्न इन अ फैमिली जहाँ गर्ल्स को हमेशा इक्वल माना गया आई नेवर हैड दिस प्रॉब्लम के ऊपर नीचे फुल फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड बल्कि ही इनक्रेज दॉट जब मुझे हिसार में आ, फ्लाइंग आ, करनी थी वहाँ पे इतना उतने साल पहले लेडीज़ के लिए कोई प्रोविजन नहीं कोई हॉस्टल नहीं जंगलों के थ्रू जाना है फ्लाइंग क्लब वो खुद मेरे फादर आके मोपेड में ड्राइव करके आए दिल्ली से मोपेड ताकि वो छोड़ पाए मेरे साथ मतलब आ, हिसार तक और मैं हर रोज़ उस मोपेड पे जाती थी तेरह तेरह किलोमीटर जंगलों में सिर्फ भगवान का नाम लेते हुए कि कुछ गाड़ी अटक ना जाए बीच में क्योंकि पूरा जंगल है लेकिन मुझे फ्लाइंग करनी है मतलब ये मेरी डिटर्मिनेशन थी बाद में जब मेडिकल वगैरह हुआ हाँ उसके बाद तो मैं इग्रुआ गई थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी बहुत सीखा वहाँ पे एनसीसी के थ्रू मैंने फ्लाइंग स्टार्ट की थी गार्ड ऑफ ऑनर भी आपने करी मैंने थी। मैंने प्राइम मिनिस्टर्स गार्ड ऑफ ऑनर श्री राजीव गांधी जी के साथ कमांड किया था और मैं इंडिया कैनेडियन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भी गई थी कैनेडा केरला में और मैंने हरीजन्स के लिए एज अ लेबर आई वर्क फॉर थ्री मंथ्स आई यूज टू स्लीप ऑन द फ्लोर लिफ्ट स्टोन्स बिल्ड रॉक्स एंड जब आप ये सब छोटी उम्र में करते हो ना वो आपका पूरा कैरेक्टर इम्प्रिंट छोड़ देता है बिल्कुल तो मुझे लगता है जो मेरा कैरेक्टर बिल्डिंग हुआ एक तो मेरे पेरेंट्स से जो एकदम स्पिरिचुअली ओरिएंटेड के लोगों का अच्छा ही सोचना है मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगी मैं हमेशा उसमें अच्छा ही ढूंढती रहूंगी कि कुछ सब सब अच्छे लोग हैं बेसिकली प्योरिटी जैसे होनी चाहिए दिल से वो मैंने सीखा एक कोई भेदभाव नहीं हैव फेथ इन गॉड एंड डरो मत नेवर क्विट डोंट हैव एनी फियर इतना बड़ा फर्स्ट वुमेन पायलट का न्यूज़पेपर में इतना सारा आ रहा था फ्लाइंग महारानी ये वो और विद इन सम टाइम ये गॉड का टेस्ट था स्नेक एंड लैडर का जो गेम खेलते हैं भगवान हमारे साथ एक मिनट में इट्स ऑल डाउन लेकिन वापस चढ़ना और फिर वापस अपनी जर्नी सबसे बनाना बड़ा सक्सेस है वो सबसे बड़ा सक्सेस है और जो फेलियर के ऊपर आप विक्ट्री पाते हो ना उस विक्ट्री की और ही कोई दूसरी बात है और वो तभी मिल सकती है जब आप डिटर्मिंड हो और जब आप करेजियस हो और जब आप फेथ रखते हो कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है कोई वजह है आप सरेंडर करो गॉड्स विल को और चढ़ते रहो क्योंकि आप कंप्लेन करते रहोगे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं एवरी मिनट इज टिकिंग टूवर्ड्स योर फाइनल तो जितना आप टाइम वेस्ट करोगे वो वेस्ट ही है तो बिल्कुल और यहाँ चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहूंगी हरप्रीत जी आफ्टर तो सच अ लवली कॉन्वर्जेशन मैं चाहती हूँ आप लड़कियों को महिलाओं को और सभी लड़कों को भी इंस्पायर करें ये माना जाता है कि ये थोड़ा कॉस्टली है पायलट बनने हाँ का हिसाब तो इसको कैसे समझाएंगे आप कॉस्टली ज़रूर है ये तो मैं मानती हूँ क्योंकि जो फ्यूल का कॉस्ट है एक्चुअली वो उसी से प्राइस बढ़ जाती है जैसे आप फ्लाइंग आप एज अ पैसेंजर भी आप ट्रैवल करते हो क्यों कॉस्टली है क्योंकि फ्यूल का कॉस्ट हाई है तो कॉस्टली ज़रूर है लेकिन मैं कहूँगी कि जिसको भी चाहे मैन हो या वुमेन हो जिसको भी फ्लाइंग करनी है आप पहले अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि आप पैसों के लिए वो जॉब करना चाह रहे हैं कि आप दिल से पैशनेटली फ्लाइंग चाहते हैं अगर आपका आंसर है कि आप पैसों के लिए कर रहे हो तो मत जाओ उस लाइन में क्योंकि आप इतने पैसे जो अपने पेरेंट्स से लोगे इधर से लोगे उधर से लोगे और उस प्रोफेशन में जाओगे जहां आप खुश नहीं रहोगे क्योंकि मैंने कई पायलट्स देखे हैं इस टाइप के जो आते हैं सिर्फ थिंकिंग के इट इज़ अ ग्लैमरस जॉब एंड पैसे अच्छे मिलेंगे तभी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ <laughs> लेकिन विद इन सम टाइम दे आर नॉट सो सिंसियर मतलब नॉट एज रेलिवेंट लेकिन जो दिल से करते हैं ना उनका इट्स वर्थ स्पेंडिंग द मनी बट आई विल स्टिल से कोविड का टाइम है इट्स अ डिफिकल्ट पीरियड कीप अ प्लान बी ऑलवेज आप अपनी ग्रेजुएशन करो पोस्ट uh, ग्रेजुएशन करो कीप सम बैकअप डो इफ यू इन्वेस्ट ऑल योर रिसोर्स ओनली इन दिस एंड गॉड फॉर बिट थोड़ा डिले हो जाए हो भी जाएगा लेकिन गैप आ सकता है कई लोग हैं ऐसे घरों में बैठे हैं यू शुड हैव समथिंग यू कैन कीप वर्किंग वाइल द न्यू अपॉर्चुनिटी ओपन अप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो मतलब इन दिस रिगार्ड आई एल ऑलवेज से हैव अ प्लान बी Please tell us about your vision in two lines about Air India. How do you see that in the years to Air come? Air India is Azadi to... mana 75th Amritka Mahotsav year. I'm proud to be an Indian. I'm proud to be an Air Indian. And with the new owners, I'm 100% sure we are going to be the best airline in the world. I'm waiting to see that day. Thank you so much for joining us for this Welcome. very, very interesting conversation. Thank you so much, Nidhi. Thank you.